आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी STM में स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए जो है नया सेशन लेकर हाजिर हो गया हूँ, यानी कि मैट्रिक की एकदम टॉपर जो सीरीज हमारे YouTube चैनल पे क्लास चलेगी, 10th का जो आपका जो सेशन 2023 में मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल बैच चलने वाली है हमारे YouTube के चैनल पे। जो हमारा YouTube चैनल है पॉइंट ऑफ स्टडी STM, हमारे YouTube चैनल पे हर एक आपका जो मैट्रिक में जो भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। यानी जो भी आपके बुक में होगा सिलेबस, जो आपका चैप्टर होगा बुक में, जो भी आपका कोई भी चैप्टर हो उसका सिलेबस में जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को आपको बारीकी से समझाया जाएगा। बारीकी से समझाने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। क्वेश्चन आंसर कराने के बाद आपको है जो मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराने के बाद वो PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से, जिससे आपको आसानी होगी क्या पढ़ने में। घर पे मैं आपको पढ़ा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे PDF के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आंसर होगा। यानी आपको जो सबसे पहले हम समझाएंगे अच्छे तरीके से, जो भी बुक में आपका जो क्वेश्चन होगा पहले मैं आपको पढ़ा लूंगा, उसके बाद जो भी नोट होगा मैं जो पढ़ाऊंगा वो नोट को आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको भेज दिया करूंगा, जिससे कि आप टेलीग्राम में डाउनलोड करके आसानी से घर पे पढ़ सकते हैं ना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हर एक सब्जेक्ट का, जी हाँ हर एक सब्जेक्ट का इसी तरीके से बारीकी से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा। और जैसे ही सब्जेक्ट जो हमारा खत्म होगा, जो सब्जेक्ट का पहला चैप्टर होगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर खत्म होगा उसका क्वेश्चन आंसर कराने के बाद मैं उसका टेस्ट लूंगा, यानी कि उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका पूरा जो भी बनेगा आपके पहले चैप्टर से, जो भी बुक का हम लोग पढ़ाएंगे चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा कराने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। यानी कि हर एक चैप्टर का खत्म होने के बाद उसकी तैयारी भी अच्छे से शुरुआती दौर से आपको कराई जाएगी, जिससे कि आने वाले वक्त में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल पे है शुरू से जुड़ जाइए। यानी कि शुरुआत हुई है 2023 का है, हम लोग जो है एक एक चैप्टर का जो है ना आपको बारीकी से समझाएंगे, है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका चैप्टर से एक एक चैप्टर को बारीकी से समझाएंगे और पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हम दो टीचर से मिलकर आपको पढ़ाएंगे, हम दोनों आपको पूरे मैट्रिक के सिलेबस 2023 तक जो भी आपका सेशन है पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, और चाहूंगा कि एक स्टूडेंट की तरह हम लोग आपको समझाएं, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस YouTube चैनल में बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट जारी हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे क्लास 10th का जो बैच स्टार्ट हुआ है 2023 एग्जाम, यानी कि 2023 में जो भी छात्र एग्जाम मैट्रिक की परीक्षा देंगे उनके लिए जारी किया है, ठीक है। ये स्पेशल जो है ना बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस कक्षे में इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आज जो है ना अनाउंसमेंट किया हूँ बैच को, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, पूरा मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को समझे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, इस टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी सवाल रहेंगे हर चैप्टर वाइज वहां आपको क्विज करवाया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक शाम को है ना क्विज करवाया जाएगा, जिससे है ना क्या होगा कि आप जो है ना पढ़े लिखे रहिएगा, जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसका क्या होगा आप आंसर वहां देंगे तो आपका बेहतर होगा, एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको मजा भी आएगा और देखने को भी क्वेश्चन देख के कहिएगा बहुत ही हौला क्वेश्चन है, ठीक। इस तरह से आप दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूँ संजय कि आपका जो है ना दो क्लास हर दिन चलेगा, ठीक है। ये मैं सबसे बड़ा अनाउंसमेंट दिया हूँ कि दो क्लास हर दिन चलेगा। सबसे पहला तो मैथ चलेगा, ठीक है, मैथ हर मॉर्निंग में चल जाएगा, ठीक है। आपको मॉर्निंग में 7 बजे आपको वीडियो अपलोड हर हाल में हो जाना है। आप लोग जो है ना देखना मत भूलिएगा, और अगर दोस्तों के पास जितना हो सके अपने ग्रुप में दोस्तों के पास ज्वाइन करवाइएगा हमारे टेलीग्राम में और यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा आपको भी प्रॉफिट हो और आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस तरह से आप है ना हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात समझिए, अगर हमसे कोई भी दिक्कत है, अगर आपको है ना
कोई किसी सवाल में प्रॉब्लम हो रही है समझे, तो बेझिझक है ना हमारे टेलीग्राम में आप वहां से मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उससे भी नहीं होता है तो आप है ना जिस क्वेश्चन में जिस यानी कि वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं कि हमको यहाँ से प्रॉब्लम, आपको बेझिझक है ना आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप यानी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरी बात है ना शाम में 7 बजे, ठीक है शाम में 7 बजे एक क्लास होगी, ठीक है जिससे है ना आपको है ना साइंस उसके बाद है ना साइंस का 3 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में है ना 3 सब्जेक्ट, एक है फिजिक्स, एक क्या है फिजिक्स है, और उसके बाद क्या है एक केमिस्ट्री है। ठीक है, आप याद रखिएगा एक क्या है केमिस्ट्री है और तीसरा हमारा है बायो, ठीक है इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट है जो कि साइंस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में है ना सोशल साइंस में जाएंगे तो सोशल साइंस में आपको 5 बुक या 4 बुक आते हैं, उनमें से आपको एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाने के साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग जो है ना हमारे इस टेलीग्राम में जुड़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक और मैं बात बता दूंगा कि अपने दोस्तों के पास कैसे जोड़ना है टेलीग्राम में, उसका भी हम लिंक दे देंगे, आप वहां से अपने दोस्तों के पास भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस में आपको क्या होगा कि सबसे पहला हिस्ट्री आता है, क्या आता है हिस्ट्री आता है, दूसरा है क्या है ज्योग्राफी आता है, ठीक है तीसरा क्या है इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स, और चौथा क्या आएगा तो चौथा जो है ना पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल। ठीक है, और एक है डायसिस्ट्री जिसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायसिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट आपको मिलकर पढ़ना है एक साल के अंदर अंदर में आपको खत्म करना है इसको। ठीक है, और खत्म करने के बाद आपको रिवीजन भी कराया जाएगा मेरे इस YouTube चैनल पर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से आप जब देखते हैं तो अच्छी बात है समझे, और इस वीडियो को देखिए। और दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूँ समझे, इस वीडियो को जब लगभग जो है ना सभी लोग दोस्तों को शेयर कर दिए क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, और इस नजरिए से मैं पढ़ाऊंगा आपको कि एक एक टॉपिक जो है एक भी है ना आपको चैप्टर वाइज छूटेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपको अनाउंसमेंट दे रहा हूँ। ठीक, अगर आप देखिएगा अगर आप क्लास 10th में गए हैं तो उसके बाद जो है कुछ टेस्ट वगैरह होता है एग्जाम वगैरह में समझे या स्कूल में वगैरह में, तो इस तरह से आप देखिएगा तो कहिएगा हाँ हमने ये हमारे टीचर पढ़ाए हैं हमको पूरा याद है। ठीक है, इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 0 से लेकर आपको हीरो तक बनाएंगे। ठीक है, बस इस क्लास में आपको ज्वाइन रखना है। ठीक है, और हर दिन जो भी वीडियो डलाएगा आपको देखना है समझे, दोस्तों के पास शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे समझते हैं आगे क्या हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट में सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस 2 प्रकार से हमारे बिहार बोर्ड और जो भी अदर बोर्ड है बांट दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जो भी छात्र हैं बिहार बोर्ड से है या यूपी बोर्ड से है या झारखंड बोर्ड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी का बोर्ड समान है। ठीक है, बट थोड़ा सा ही सिलेबस में फर्क है बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार बोर्ड की मैं बात किया जाऊं तो बिहार बोर्ड जो है ना 2 प्रकार से सिलेबस बांटता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग होता है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग होता है, और सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सब्जेक्टिव आपको 50% पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव कितना परसेंट पूछा जाता है तो 50% पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 50% पूछा जाता है। ठीक है, अब जहां बात किया जाए मैथ की तो मैथ की बात किया जाए तो मैथ में जो है ना ऑब्जेक्टिव 100% पूछता है, कितना परसेंट 100% पूछता है, जिनमें से आपको 50% का आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको है ना मैथ को इतना इजी से पढ़ना है, मैथ से कभी डरना ही नहीं है। ठीक है, मैथ क्या मैं हर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो हर सब्जेक्ट आपको हौला लगने लगेगा, बट आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जो भी वीडियो आने वाला है उसको देखिए आपको समझने पूरा 100% ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहां से आना 50% आपको जवाब देना है। ठीक है, 50% क्या है आंसर देना है। ठीक है, 100% में से 50%, और 50% क्या होता है सब्जेक्टिव होता है समझिए, इसमें भी 100% दिया जाता है लेकिन 50% का ही इसमें जवाब दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको एक चैप्टर से डबल क्वेश्चन पूछा जाए, ये है बस। ठीक है, जब मान लीजिए हम 2 नंबर के सवाल बना रहे हैं समझिए, जिसको हम लघुतरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है,
दो नंबर के सवाल आपको है ना एग्जाम में 30 को मैथ में मिलेगा, ठीक है 30 सवाल, जिनमें से आपको 15 सवाल के जवाब देना अनिवार्य है, यानी कि आपको डबल कर दिया गया था, यानी कि 2021 से ही चल रहा है ये सेशन, ठीक है, इसका सिलेबस बिहार बोर्ड ने अपना बदल दिया है, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये भी जो भी है ना हिस्ट्री और उसके बाद यानी कि सोशल साइंस और साइंस की बात किया जाए तो इसमें 80% क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम, याद रखिएगा, ठीक 80% में से क्या होगा कि 80% में से 40% ऑब्जेक्टिव रहता है और 40% क्या रहता है सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आप इसे भी कवर करेंगे हम लोग क्या, और साइंस में भी 80% पूछता है जिनमें से 40% का क्या करना है जवाब देना है, ठीक है 80% पूछता है जिनमें से 40% ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव भी 40% होता है, यानी कि इसमें आपको डबल क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्या किया जाए, तो यही हम लोगों की बात है, हम लोगों ने आप लोगों से शेयर किया ये सब चीजें बातें, सो आप लोग लास्ट तक तो हमारे वीडियो को देखा, और सबसे बड़ी बात क्या आप लोग हम लोग को देख के कहते होंगे नॉलेज है कि नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, इंसान के पास जो अनुभव होता है ना लोगों से सीख करी आती है पढ़ने से होता है ना, एज मायने नहीं रखता आपके नॉलेज के लिए, एज मायने नहीं रखता है, आपका नॉलेज कितना है वो मायने रखता है ना, तो उम्र से कुछ नहीं होता, हम लोग के पास उतना नॉलेज है जो आप लोग का सिलेबस अच्छे तरीके से तैयारी कराते, ठीक है। तो आप लोग हमारे वीडियो को एक एक चीज को एक एक बात को आप लोग नोट कीजिएगा, देखिएगा नोट कर लीजिए, जैसे हमारी बातों को आप अच्छे से सुनिएगा ना तो देखिए कितना मजा आया क्लास में ना। एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो आजकल हर एक जगह पे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं है ना, तो सब टीचर जो पढ़ाते हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग पढ़ाने के लिए, एक साथ सब बच्चे को पढ़ाते हैं, एक टीचर जाने के जितने बच्चे रहते 20-30 सबको तो एक ही समान पढ़ाते हैं टीचर, लेकिन उसी बच्चा में से कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड डिवीजन आता है, कोई थर्ड डिवीजन आता है, क्यों ऐसा होता है, ये सबसे बड़ा रीजन है, ये इसलिए होता है कि जो बच्चे जो होते हैं हेयरिंग यानी हेयरिंग पावर, हेयरिंग पावर और लिसनिंग पावर होते हैं, ठीक है, तो जो हेयरिंग मतलब होता है उनकी नजर तो सर के पास रहती है, यानी सर की बातों को सुनते नहीं है, सर की तरफ उनकी मुंह रहती है ना, और उनका ध्यान कहीं और रहता, तो 10% यानी 100% में हुआ 10% बच्चे इस तरीके से करते हैं कि 10% 100 में से 90% हेयरिंग करते हैं और 10% लिसनिंग करते हैं, यानी कि सर के बातों को अच्छे तरीके से 10% ही बच्चे सुनते हैं, और 90% यानी 90% जो बच्चे हैं सर की बातों को हेयरिंग करते हैं, यानी कि सर की बात की तरफ तो उनकी ध्यान है, सर की तरफ उनकी शकल है, यानी कि शकल जो होता है फेस सर की तरफ है, लेकिन ध्यान जो है कहीं और है, सर की बात अच्छे से नहीं सुन पाते हैं, इसलिए होता है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा अच्छा से सुनेगा, जो मेहनत करेगा लगन से दिल लगा के, वही घर पे जाके पढ़ेगा, और सबसे बड़ा पावर तो ये है सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा पावर है, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे घर पे पढ़िएगा नहीं तो दुनिया में ऐसा कौन चीज है बाबू आप लोग को मालूम होता है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं हासिल होता है ना, कोशिश करने ही से हर एक चीज मिलती है, और हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं इस दुनिया में मिलने वाला है ना, एक चोर भी होता है ना तो मेहनत करता है ना, रात को जागता है, रात को जागने के लिए वो प्लान बनाता है, प्लान बनाते कैसे हमको चोरी करना, अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है, तो उससे भी मेहनत है कि नहीं, बगैर मेहनत को तो यहाँ इस दुनिया में कुछ हासिल ही नहीं है ना। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं हम लोगों के साथ, तो वाकई में हम आप लोगों का जितना हेल्प होगा उतना हम आप लोगों की हेल्प करेंगे, बस इसके लिए बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे साथ मेहनत कीजिएगा, जिस तरीके से हम लोग मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, तो हम जो कहेंगे आपको नोट्स बनाने के लिए बस वो नोट्स बनाइएगा और घर पे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जैसे थे आप वैसे ही रह जाएंगे, लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है, आपको मेहनती बनना है, आपके माँ बाप का जो आप सोच रखे हुए हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर कामयाब होगा अच्छा बनेगा, तो आपको अपने माँ बाप के बातों पे क्या करना है खरा उतरना है, और गांव मोहल्ले टोले में जो आप लोगों को गलत निगाहों से देखते हैं, गलत कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा है वैसा, उन लोगों के मुंह पे आपको अपने रिजल्ट से बताना है, क्योंकि देखिए कामयाबी जो है ना, कामयाबी इंसान को कब मिलती है जब मेहनत करता है ना, बोलने से कुछ नहीं होता, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे है ना,
तो मेहनत करने वाला और कहने वाला बहुत मिलता है ना। लोग कह देगा कि हम सफलता हो जाएंगे, भैया कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप उसको कवर करते हैं कि नहीं, जो मैं आपको बताता हूँ नोटबुक उसको याद करते हैं, यानी जो भी वो करते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेहनत करते हैं तो इस दुनिया में मालूम है आपको कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यानी इम्पॉसिबल में क्या छुपा हुआ, पॉसिबल है ना, यानी सफलता। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हम भी आप लोगों को कामयाब करने की ओर ले जाएंगे, क्योंकि जितनी होगी हम लोगों के पास क्षमता, उतने दिल लगा से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की इज्जतों को आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इतने ऊपर बुलंदी पे ले जाए कि आपके माँ बाप भी कहे कि हाँ, मेरा बच्चा वाकई में पढ़ने वाला है, कामयाब होने वाला है, टैलेंट इसके पीछे भी है, इसके अंदर भी है ना। क्योंकि टैलेंट तो हर आदमी के पीछे तो होता ही है, हर अगर आपको कामयाब होना है कि नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि ऊपर वाला भी जब इस दुनिया में भेजता है तो हर एक के अंदर टैलेंट देके भेजता है कि नहीं, बस टैलेंट को निखारने के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम लोग जो है आप लोग हर एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस को पूरा कराएंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात हो गई, कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, यानी कि हमारे चैनल पे उर्दू से लेकर संस्कृत से लेकर हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। और सब्जेक्ट में जो होगा, हर एक चैप्टर को मैंने शुरू में बोला, बारीकी से आपको समझाएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग हमारी बात को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम लोग का यही था कि अनाउंसमेंट है, रोज आपको क्लास मिलने वाली है, उर्दू, नन हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका हर एक साल से लेकर मैथ, और एकदम बारीकी से। बस आप लोग को क्या करना है, आपको अपने दोस्तों को, जी हाँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को बता दीजिएगा, अपने दोस्त यार हैं या पेरेंट्स को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बता दीजिएगा, और कोई बच्चे देख रहे हैं तो अपने दोस्त यार होंगे उनको बता दीजिएगा कि इस चैनल पे कम बारीकी से अच्छे से सर बोले हैं कि तैयारी करा जाएगी, इसीलिए सर की वीडियो देख रहे हैं। आप कोचिंग में करने कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी जो होगी टेस्ट की वो आप हमारे चैनल पे आइएगा, टेस्ट दीजिएगा, है ना। और प्रोवाइड भी कर लिए हम लोग आपको नोटबुक टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब चीजें बातें थी जो हम लोगों ने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी हम लोगों की बातें, और आप लोग कदम मिला के चलिएगा तो इस दुनिया में कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। कदम मिला के अगर हम लोग के साथ चलेगा तो आपका जो एग्जाम होगा इजी रहेगा। बस इसमें आपको क्या करना है, मेहनत करने की वाली बात है ना। तो हम लोग की यही बात थी। तो मोबाइल में कुछ देख लेते हैं, एक हमने देखा है ये बहुत अच्छी बात है, जो इंसान मेहनत करता है तो इस दुनिया में कुछ नहीं मुश्किल है ना। है खोल दे पंख मेरा मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आपको इसी बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को अंत करना चाहूंगा। और आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस दुनिया में हर एक चीज आपके, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस दुनिया में, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, अपने प्रयास को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपके पैरों तले आ जाएगी, बस मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करते तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम इसी के साथ अपने इस जो हमारा वीडियो है इसको एंड करते हैं, और रोज आपको हमारे इस चैनल पे 7 बजे, और मॉर्निंग में से कितने बजे देना है, 8 बजे मॉर्निंग में भी 7 बजे और शाम में भी 7 बजे डेली आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसको आपको देखना है, अच्छे से देखना बारीकी से, ठीक है बाबू। तो यही था हम लोगों का बिग अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, सेशन 2023 वालों के लिए, एकदम मजे में आपको पढ़ाएंगे, एकदम जैसे पढ़ाया जाता है एक स्टूडेंट को और एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्सअप है ना, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आप लोग देखिए आप लोग हमारा हौसला अफजाई कीजिए, एक नई शुरुआत के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। और एक उम्मीद करता हूँ कि इतना नॉलेज दूंगा, और आप लोग इसको नॉलेज हमारे लेते हैं
तो ऊपर वाला जरूर आपको, भगवान जो भी गॉड है ऊपर वाला खुदा आपको जरूर कामयाब करेगा, क्योंकि मेहनत ही इंसान को सफलता की ओर ले जाती है। ठीक है, तो अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्त को बता दीजिएगा और जो पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों को बता दीजिएगा। ठीक है, कोचिंग पढ़े जाने की तैयारी कर रहे जो भी टाइम मिलते हैं। ठीक है, तो यही बातों के साथ हम अपने इस वीडियो को सेशन को एंड करते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग हमारे एक फैमिली के साथ हमारे इस चैनल पे बन जाए। आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे हमारे इस चैनल पे एक फैमिली की तरह बने, एकदम फैमिली की तरह आपको तैयारी कराई जाएगी, एकदम भाई ब्रदर की तरह। ठीक है, भाई सिस्टर जो भी है वीडियो देख रहे हैं वो एकदम अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, है ना। जो भी स्टूडेंट है एकदम दिल से पढ़िए, मजे पढ़िए और एक जुनून के साथ पढ़िए कि चलिए आज अब जो हमारी क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि 10th काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग